एक बेचारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा, ये तारा वो तारा जम तारा। आपके मोबाइल मैसेज में आए चार डिजिट आपकी चार दिन की जिंदगी को चार कंधों पर ला सकती है, और वो चार डिजिट है OTP। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP शेयर बिल्कुल ना करें। यहां आपने अपना OTP शेयर किया और वहां आपका खाता खाली। ये देखिए बज गया आपका फोन, उठाइए उठाइए, मगर OTP बिल्कुल मत बताइएगा। सावधान हो जाइए इससे पहले कोई बजा जाए आपका बाजा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं RTO डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास चार नंबर का OTP आया होगा सर, आप बताने का कष्ट करेंगे सर? अच्छा, ये तारा वो तारा जम तारा है? मैं कुछ समझा नहीं सर। पर मैं सब कुछ समझ गया। वैसे ये OTP होता क्या है? OTP सर एक सुरक्षा कोड की तरह काम करता है। जैसे OTP की फुल फॉर्म होती है सर, वन टाइम पासवर्ड। नहीं नहीं नहीं, OTP की फुल फॉर्म है ओ मतलब ओ, टी मतलब तेरी, और पी मतलब पैन। ओ तेरी पैन? सर समझा नहीं मैं कुछ सर। ओ तेरी पैन नू कंजरा साले बेवकूफ, समझाया तूने मुझे कि मैं तुझे अपना OTP बता दूं और दो मिनट में तू मेरा खाता खाली कर दे हैं? अरे क्या मिलता है तुम्हें लोगों की मेहनत की कमाई हड़प के? सुकून मिलता है तुम्हें? अरे बद्दुआ लगेगी, नरक में जाओगे, पिछवाड़े से खून निकलेगा तुम्हारे, समझे कि नहीं? सर आप बेकार में गालियां दे रहे हो। सर देखिए मैंने आपको कॉल किया है, मैं RTO डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, कार के रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल है। आपके पास चार नंबर का जो OTP आया है वही मांग रहा हूँ। हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं सर, आई एम जेन्युइन सर। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े गिरोह का डकैत मुझे फोन कर रहा है मेरे पैसे हड़पने के लिए। और एक बात बता, मैं पहली बार गाड़ी ले रहा हूँ, OTP तो कभी भी नहीं आता, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए OTP नहीं होता। सर इंडिया डिजिटल हो गया है, डिजिटल अब सब OTP ऐसे ही आते हैं सर। हाँ डिजिटल हो गया, तभी तो चोर भी डिजिटल हो गए। पहले बाजार में जाते थे 10-20 रुपए लोगों की पॉकेट से निकल जाते थे, अब तो घर बैठे बैठे 50,000-लाख रुपए निकल जा रहे हैं। साले फोन में घुसकर तेरा थप्पड़ मार के मुंह घुमा दूंगा मैं। सर देखिए अब आप एक सरकारी कर्मचारी को धमकी दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं होगा सर। सरकारी कर्मचारी साले, तेरे प्राइवेट पार्ट तोड़ दूंगा मैं, तू मेरे सामने आ जा तू। सर बहुत हुआ सम्मान, अब मैं बताता हूँ कि एक सरकारी आदमी कितना असरकारी हो सकता है। अब तुम्हें कार का रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, आओ बेटा RTO ऑफिस, मैं देखता हूँ तुम्हारा कार का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर कार घर में खड़ी खड़ी सड़ा ला दी ना, तो मेरा नाम भी कुमुद मिश्रा नहीं है। आ मत जाना RTO ऑफिस में, समझे तुम? मैं तो डर गया, मेरे हाथ पांव कांप गए, बिल्कुल मेरा तो खून सूख गया। अरे बहुत देखे तेरे जैसे लकू झन्ने, समझा? और अब तू फोन रख दे वरना तेरी मैं सिम तुड़वा दूंगा। अगर तूने दोबारा कर भी फोन किया तो अगला सेगमेंट माँ बहन से शुरू होगा। रख दे फोन, रख। अबे साले, हेलो, तेरी पैन नू कंजरा। शाबाश शाबाश, एक्शन ओवर, एक्शन ओवर। मर 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 मर, आउट हो गया। सब बिके हुए हैं ये, क्या होगा IPL का धंधा बना गया है। पापा सब बिके होते हैं यार। अरे यार ऐसे नहीं, वैसे बिके हुए हैं, और तू क्यों इतनी खुन्नस में है? आपने उस RTO वाले को क्या बोला? OTP मांगने के लिए फोन करा था ना उसने, माँ बहन एक कर दिया आपने उसकी। ए, बाप से ऐसे बात करते हैं? अच्छा मतलब आप किसी से कैसे भी बात कर लो वो ठीक है, और मैं करूँ तो गलत। तुझे भी आया था कॉल, दे तो नहीं दिया OTP? मुझे क्यों कॉल आएगा, गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर होनी है ना, और अब उसको क्या बोल रहे थे वो तेरी पैन नू। अब क्या है यार ये, मतलब वो सच में RTO वाला था? हाँ जी। अरे यार RTO वाला नहीं था वो फ्रॉड है। अरे नहीं था, मैं उससे बात कर रहा, RTO वाला ही था वो। अरे मैंने सुबह सुबह न्यूज में देखा है भाई साहब, ये फ्रॉड चल रहा है। मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा कर लो, RTO वाला था वो। एक तो ये डिजिटल के चक्कर में दिन भर में 10 OTP आते हैं, किस किस पे भरोसा करूं है? एक बात बता, खाना मंगवाना हो तो OTP, टिकट बुक करनी हो तो OTP, अगर कैब में जाना हो तो OTP, ये नहीं समझ में आ रहा इंसान के भरोसे का दूसरा नाम हो गया OTP है? और अभी सुबह सुबह वो बता रहे हैं कि OTP चक्कर में पूरा अकाउंट खाली कर देते। पापा ये सब ठीक है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है क्या नहीं करवानी है? देख फोन लगा, अगर कुछ बात बन सकती है मैं बात करता हूँ। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? देखिए मदद तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं।
वो क्या है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी है? और मैंने आपके एक ऑफिसर को थोड़ा बुरा भला कह दिया, बस यही हो गया, अब क्या करें। अबे तू मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा, स्टैंडिंग तो मैं तेरी करूंगा। ये आपकी आवाज को क्या हुआ? भूल गया, तेरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वो तो बेटा मेरी नौकरी महिला कोटे से लगी है, इसलिए पूजा बन के बात करना पड़ता है, लेकिन आप तो पूजनीय हैं, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। देखिए आप तो जो है पुरानी बात पकड़ के बैठ गए हैं, और मैं तो ये कहूंगा पुरानी बात पे मिट्टी डालो। और देखिए भाई साहब, ये तो गलती थी, हो गई, अब क्या करें हैं? भाई साहब, बेटा अभी थोड़ी देर पहले ना तुम इसी भाई साहब की माँ बहने कर रहे थे। अरे सुनिए, देखिए वो मेरी गलती थी, मैंने न्यूज प्रोग्राम देख लिया था, मैं भड़क गया था, तो आपको वो एक बेकार का आता है ना एक न्यूज प्रोग्राम, वो ये तारा वो तारा जम तारा, बस यही था, बस क्या बोलूं अब। बेटा अब मैं तेरी करूंगा, बोलो तारा रारा। एक मिनट बात सुन लेते, मतलब कुछ हो नहीं सकता क्या? बेटा सरकारी आदमी को गाली दी है ना, अब तुम माफीनामा लिखो, हमारी टेबल पर आओ, नाक रगड़ो, जूता रगड़ो, मुंह रगड़ो, अपना पूरा शरीर रगड़ दो, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन अब नहीं होने वाला। अरे यार राहुल, ये तो मान ही नहीं रहा, क्या करूं अब? अब पड़ी रहेगी गैराज में गाड़ी, मैं भी चला लेता थोड़ी, दिमाग खराब करो यार पापा, अब उससे बात कर लो फिर से फोन करके। कर तो, अरे राहुल, अरे कहाँ जा रहा है राहुल? हेलो, फोन काट दिया यार। हेलो, गुड इवनिंग सर, मेरी बात राहुल जी से हो रही है? राहुल? नहीं नहीं, मैं तो राहुल का पापा हूँ, हाँ बताओ क्या बात है? सर राहुल जी ने कार्ड बुक किया था, उसके लिए ओटीपी आया होगा, 4 डिजिट का, आप मुझे वो ओटीपी बता सकते हैं? ओटीपी? जी सर ओटीपी। हेलो सर, आप लाइन पे हैं? अच्छा अच्छा, ओटीपी आया बेटा? जी सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं जरा एक मिनट मैसेज चेक कर लूं। हाँ हाँ, नोट करो आप ओटीपी। जी सर बताइए। 23 23 56 56 जी, 23 56। ओके सर। हाँ जी, अच्छा ये बताओ, आप तो दिन रात बहुत मेहनत करते हो, 24 घंटे 7 दिन है। जी जी जी। चलो वैसे खाना वाना खाया आपने? ओके सर, थैंक यू सर। है फोन काट दिया, मुझे याद नहीं यार, अच्छा हुआ ओटीपी दे दिए, वरना ये लड़का फिर कलेस करता। हजार मेरे खाते से? हराम खोर राहुल, तेरे ओटीपी के चक्कर में मेरे खाते से 50,000 निकल गए, कहाँ है तू? सारा घर लुटवाते ओटीपी के चक्कर में, पता नहीं कहाँ कहाँ ओटीपी करवा रहा है।